रेमडेसिविर की करते थे कालाबाजारी, डॉक्टर सहित तीन पुलिस के हत्थे चढ़े। नोएडा में एक तरफ जहां लोग कोविड मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए सीएमओ के पैर पकड़ने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर का जमकर कालाबाजारी हो रही है। नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 पुलिस ने ऐसे ही तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो जरूरतमंद मरीजों को महंगे दामों में रेमडेसिविर बेचा करते थे। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों अभियुक्त आपदा को कमाई का अवसर बनाने वाले हैं, जिन्हें नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अभिषेक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त डॉक्टर इमाम, जो खुद को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली में कार्यरत बताता है, वो अपने दो साथी हमजा और मुजीब के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर 25-30 हज़ार रुपए में बेचा करते थे। डॉक्टर इमाम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं देता था। उन्हीं अस्पतालों में वह जरूरतमंदों के नाम पर रेमडेसिविर ले लेता था या गैर जरूरतमंद मरीजों से सस्ते दाम पर खरीद लेता था। उसके बाद अपने दोनों साथी हमजा और मुजीब के साथ मिलकर जरूरतमंदों को 25-35 हज़ार में रेमडेसिविर बेच देता था। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इनके कब्जे से पुलिस को 3 वायल्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन, 3 मोबाइल फोन और 1 ब्रीजा कार बरामद हुई है। माननीय आयुक्त महोदय तथा अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देशन में कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में एक अहम सफलता मिली। 29 अप्रैल 2021 को क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया है। मुजीब और हमजा ये इनमें से एक जो है वो गाजियाबाद में एक मनी ट्रांसफर की दुकान चलाता था और दूसरा जो है वो नोएडा में एक फार्मेसी में काम करता था। और इनकी मुलाकात डॉक्टर इमाम से, जिसके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिल्ली में कार्य करना बताया गया है, उससे अपने एक रिलेटिव के माध्यम से संपर्क हुआ था, जब ये उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रोक्योरमेंट की कोशिश कर रहे थे और उस इंजेक्शन को इन्होंने जो है उसके बाद उसका कालाबाजारी करना शुरू कर दिया और डॉक्टर इमाम के माध्यम से ये ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से, जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शन बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शन नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35 हज़ार रुपये में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और अभी तक इनके द्वारा तकरीबन 10-12 इंजेक्शन जो है बेचना बताया गया है ब्लैक में, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।